चाकू चाकू चाकू। कमानी दार चाकू, बटना वाले चाकू, बदमाश। देर रात मौली जागरा पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा करता, जिदा कि थोन पहले भी तस्वीर अस दिखाते आए हैं। रोको टोको अभियान मौली जागरा पुलिस वालों चलाया गया है। हर बंदे की तलाशी ली जाती है, हर आन जान वाली गड्डी रोक के चेक किया जाता है। जिसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसनू इनबाउंड भी किया जाता है। ये तस्वीर तुम साडे चैनल पर पहले भी देख चुके हो। हुण दसिए देर रात नाके दे दौरान एक इनोवा गड्डी रोकिया जिहदे विच दो बंदे की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हां कोल तों 236 बटन दे कमानीदार चाकू बरामद किए गए हैं। रैपर कला दे कोल नाका सी। इस पूरे मामले दे विच अज DSP ने एक और बड़ा खुलासा करता है। एक प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरे मामले DSP का की कहना था यह भी सुनाने हैं। सानू दस दिए रोको टोको अभियान के तहत हर गड्डी ही नहीं हर बंदे भी चेक किया जाता है कि कोई तेज़धार हथियार या कोई असला तो नहीं है। एक मुंडे के कतल तो बाद हुण पुलिस ने होर भी सख्ताई बरती है। नवे साल तो बाद तुसीं गल करिए 2024 की, जिसके चलते आए दिन कोई ना कोई लुट खो तो मर्डर जिही जी वारदातें सामने आ रही हैं, जिसके चलते पुलिस ने भी हुण सख्त रुख अपना लिता है। इस पूरे मामले के विच हुण गल करिए DSP ने प्रेस वार्ता दौरान की कुछ खुलासे किए ने। पहला तो इस तस्वीर देखो। हमारा रायपुर कलान में एक स्पेशल नाका कल लगाया था, उसमें हम व्हीकल जब चेकिंग कर रहे थे उस समय एक इनोवा व्हीकल आया था। उसमें जब उसमें उसको हमने रोका था, उसमें से दो बंदे को हमने जब चेक किया था उनमें से हमने बटन नाइफ्स रिकवर किया था। दोनों का नाम है, एक का नाम परवीन कुमार है, एक का नाम सतीश कुमार है। दोनों सेक्टर 9 पंचकुला का रेजिडेंस है। 184 बटन नाइफ्स, इसमें दो तरीके के बटन नाइफ्स था। एक तो बड़ा था, उसमें टॉर्च वगैरह भी लगा हुआ था, वो 52 नाइफ्स है, वो रिकवर हुआ सतीश कुमार से। और दूसरा नॉर्मल टाइप बटन नाइफ है, वो भी उसमें टॉर्च वगैरह नहीं था, थोड़ा सा छोटा था, वो टोटल 184 नाइफ्स है, वो रिकवर हुआ सतीश कुमार से। सॉरी, जो बड़ा वाला 52 नाइफ था वो रिकवर हुआ परवीन कुमार से। अभी प्राइम ऑफिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल रहा है कि दो मर्डर्स हुआ चंडीगढ़ पुलिस सिटी में, उसमें नाइव्स इन्वॉल्व थे दोनों में, तो उसलिए ये लोग इतना नाइव्स शायद सेल के लिए रखे थे, इसको कहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए या कहीं डिस्पोज करने के लिए लेके जा रहे थे। बटन नाइव्स नहीं था, लेकिन वो भी डेंजरस नाइव्स था, उसमें भी थोड़ा वेजेस वगैरह है, मतलब सब्जी काटने वाले टाइप नाइव्स नहीं थे, उसमें भी अंदर वेजेस होते हैं, जैसे उसमें मर्डर स्टैब करके जब निकालते हैं इंटेस्टाइन वगैरह बाहर आ जाते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये लोग खुद नहीं बनाया, ये बाहर से प्रोक्योर गया, हमने सोर्स का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस रिमांड रिक्वेस्ट करेंगे, कोई मुकदमा नहीं। पंचकुला सेक्टर 9 है, दो लोग भी था और हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन भी था इस साइड से बाहर। बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नॉर्मल बिजनेसमैन है, नॉर्मल दुकान टाइप ग्रोसरी कॉस्मेटिक्स वगैरह बेचने का। हॉल जो इतना बड़ा सीजर जो है चंडीगढ़ पुलिस में पहली बार ही हो रहा है। और ये जो टॉर्च टाइप है वो भी एक्चुअली बटन नाइफ्स जो भी है वो बैंड है, कोई भी प्रोसेस कर नहीं सकते हैं। उसमें टॉर्च है टॉर्च नहीं है वो कोई मैटर नहीं करता है। जो बटन नाइव्स है, जो ऐसे फोल्ड करके जब बटन दबा देंगे तो खोलता है ना, वो नाइव्स बैंड है, वो कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। CRPC 144 में भी वो ऑर्डर है, आर्म्स एक्ट में भी बैंड है। जो भी प्रोसेस कर रहा है, इंटेंशन है गलत इंटेंशन नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता है। आर्म्स एक्ट में जो भी प्रोसेस किया उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का कानून लगती है और जो भी सजा है वो मिल जाए। एक का 38 है, दूसरा का 40+ है, 42 का। इसको प्रोसेस करना भी इलीगल है, दुकान में रख के भेजना भी इलीगल है, और कहीं से सोर्स करेंगे अगर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि दूसरा दुकान में ये भेज रहे थे उसलिए हमको पता नहीं था। बटन नाइफ इज़ बैंड,
सीआरपीसी 144 ऑर्डर भी है। अगर आप इसको बिना गलत इंटेंशन के भी अगर आप रख रहे हैं तो तभी आपको आर्म्स एक्ट में सजा मिलेगी। देखिए तुसी प्रेस वार्ता दौरान डीएसपी साहब की कुछ कह रहे ने, हुण ये दो बंदे की गिरफ्तारी हो चुकी है, रिमांड के दौरान होर भी खुलासे हो सकते हैं। अपने सहयोगी रवि रमेश कुमार, दैनिक मेल, चंडीगढ़।